आजकल दिन ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, कहीं भी रह के पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल इंटरनेट का सुविधा इतना हो गया कि दिल्ली में रहें या गांव में रहें, दोनों बराबर। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। हम आपको लगातार बीपीएससी 66वीं का फाइनल रिजल्ट आने के बाद से जो टॉपर हैं उनसे मिलवा रहे हैं, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखा रहे हैं। चलिए इसी सिलसिले में आपको जहानाबाद लिए चलते हैं, जहां पर सुनील सक्सेना ने बीपीएससी की परीक्षा में 27वां स्थान प्राप्त किया है। लेकिन इनकी सफलता अपने आप में ही एक अलग कहानी कहती है, क्योंकि ये यूपीएससी में एक बार फेल हो चुके हैं और बीपीएससी में इन्होंने परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी 66वीं में इन्होंने 27वां स्थान प्राप्त किया और जैसे ही ये खबर उनके गांव वालों को पता चली, घर वाले तो खुश थे ही, वैसे ही पूरा का पूरा गांव इनसे मिलने के लिए आ गया। जरा देखिए आप तस्वीरों में कि किस तरीके से सुनील सक्सेना का पूरा जो गांव वाले हैं वो स्वागत कर रहे हैं, किस तरीके से उनको माला पहनाया जा रहा है, उनके घर वाले कितने खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इनके पिता बिजली विभाग के रिटायर कर्मी हैं, ऐसे में इनके लिए खुशी और दुगनी हो जाती है, क्योंकि इनका जो घर संभालने के लिए इनके बेटे ने इतना अच्छा पद जो हासिल कर लिया है। चलिए सबसे पहले आप सुनील सक्सेना के जो टॉपर है उनसे मिलिए और उनकी बातें सुनिए। मेरा चौथी बार मैंने इंटरव्यू दिया था बीपीएससी का, इससे पहले मैं 3 बार और दे चुका था, थोड़े थोड़े नंबर से, 2-4 नंबर से 5 नंबर से, इतने कम नंबर से छूटता जा रहा था। इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और विश्वास भी था खुद पे, तो उस विश्वास और मेहनत के बदौलत पे 27वां रैंक आया है, डीएसपी पोस्ट मिला है और सर पाकर मैं खुश हूँ। किसको क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप, परिवार में किसको क्रेडिट? पापा और मम्मी को क्रेडिट दे रहा हूँ और पूरा परिवार, भाई और भाभी सभी लोग पात्र हैं। खास करके पापा, इसमें ज़्यादा उनका योगदान है और कुर्बानी त्याग ज़्यादा है, तपस्या ज़्यादा है। इस बार आप घर पर रहकर तैयारी कर रहे थे तो मुश्किल नहीं हुआ? सर, कोरोना का पहला वेव जब आया था तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया था, वहाँ से सारे लोग भाग रहे थे, कोई वहाँ पे जैसे कि रहने का, खाने पीने का तक दिक्कत हो रहा था, तो उसी समय वहाँ से सारे स्टूडेंट जब आने लगे तो हमको भी उसी समय यहाँ आना पड़ा घर पे। और फिर पूरा देश को, पूरा स्टूडेंट्स के देश के स्टूडेंट्स को उस समय दिक्कत हो रही थी, खास मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसी को देखते हुए यहीं पर घर पर रख कर इंटरनेट का सुविधा यहाँ पर मौजूद करवाएं, पहले थोड़ा मेहनत करके और थोड़ा सही तरीके से काम करके यूट्यूब वगैरह से और सीनियर से गाइडेंस लेके आराम से मेहनत करके फिर सफल होने से। मतलब ये तो एक संदेश भी है कि गांव में रह के भी कमीशन कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ सर, आजकल दिन ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, कहीं भी रह के पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल इंटरनेट का सुविधा इतना हो गया कि दिल्ली में रहें या गाँव में रहें, दोनों बराबर है। और जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ करना चाहेंगे? बस यही कि मेहनत करते रहिए और खुद पे भरोसा रखिए, सफलता जरूर आएगी। तो आपने सुनील सक्सेना की बातें सुनी, आपको बताते चले कि उनका परिवार भी बेहद खुश है, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि मेहनत और लगन हमेशा जो है रंग लाती है और आज उनकी मेहनत और लगन ने रंग लाई है। ऐसे में आप सुनील सक्सेना की बातों से क्या सीखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सुनील सक्सेना की कहानी ये ज़रूर कहती है कि हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर यूपीएससी की परीक्षा में जिस तरीके से ये सफलता इन्होंने प्राप्त नहीं की, अगर उस वक्त हार मान जाते तो आज पूरा गांव इनका स्वागत इस तरीके से नहीं कर रहा होता। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।